अगर आपके पास मार्फो डिवाइस है, ये वाला मार्फो डिवाइस, अगर उसको आप मोबाइल या सिस्टम में यूज कर रहे हैं और वो बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन फेल या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो आज के इस वीडियो में बताएंगे उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है उसमें आपको क्या देना है, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा मार्फो की आरडी सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो। इसकी आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे आना, बहुत सारी फेक वेबसाइट भी चल रहे हैं, तो आपको आना होगा rdserviceonline.com पे। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका डिवाइस जो है वो वैलिडेट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे चेक वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही चेक वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने डिवाइस का सीरियल नंबर देंगे। जैसे आप सीरियल नंबर देके सबमिट करेंगे आपके सामने इस मशीन की डिटेल आ जाएगी। सीरियल नंबर डिवाइस ऑलरेडी वाइट लिस्टेड, अगर आपका डिवाइस वर्क नहीं कर रहा, एक्सपायर हो गया, तो नोट वाइट लिस्टेड आपको दिखाएगा। यहाँ पे डिवाइस ऑलरेडी वाइट लिस्टेड यानी कि ये रजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जिसमें नॉट वाइट लिस्टेड रहेगा उसको आपको रजिस्टर करने की जरूरत है। ये मैंने रजिस्टर किया था 23 जून को, जो कि आप देख पा रहे हैं। ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर और डेट देख सकते हैं किस डेट को किया था और किस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। 22/6/2022 को ये एक्सपायर हो जाएगा। कितने सालों के लिए मैंने परचेज किया था यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको स्टेटस में डिवाइस नॉट वाइट लिस्ट आता है, वाइट लिस्टेड, तो इसका मतलब आपका डिवाइस जो एक्सपायर हो चुका है रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे होम के डैशबोर्ड पे जाते हैं, उसके लिए आरडी सर्विस क्लिक करेंगे। वेबसाइट के होम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, यहाँ पे थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा लॉग इन करने का ऑप्शन और कैरियट अकाउंट। तो अगर आपका अकाउंट इस पे पहले से बना हुआ है तो आप लॉग इन करेंगे, अगर नहीं बना हुआ है तो कैरियट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। कैरियट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, कोई सा भी ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आपको एसएमएस का भी ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो एसएमएस पे क्लिक करेंगे, आप मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी भी क्लिक करके आप मोबाइल पे ओटीपी मंगवा सकते हैं। अगर आप ईमेल पे ओटीपी मंगवाना चाहते हैं तो ईमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी देंगे और सबमिट कर देंगे। अगर मोबाइल पे मंगाना है तो मोबाइल नंबर की इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, सेंड ओटीपी भी क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको एड्रेस मांगा जाएगा, एड्रेस आप डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ऑलरेडी मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट जब बन जाएगा फिर से आपको इसी थ्री लाइन पे क्लिक करना और लॉगिन की इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन की इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाए थे वो पासवर्ड डालेंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ईमेल आईडी अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका इस पे अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको फॉरगॉट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है, ईमेल आईडी देंगे और सबमिट करेंगे। आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड जब बन जाएगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, साइन इन करना होगा। डिटेल देने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ से आप डायरेक्ट मार्फो डिवाइस की ऑर्डर कर सकते हैं, न्यू मार्फो डिवाइस ले सकते हैं, यूएसबी केबल ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप डिवाइस वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप डिवाइस लेना चाहें तो यहाँ से, अगर आप आरडी सर्विस लेना चाहें यानी कि आपका मशीन काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा, तो इस आरडी सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू डिटेल है, व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, कितने सालों के लिए आप आरडी सर्विस रजिस्टर करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के, जितने सालों के लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं आपको उसी के हिसाब से पेमेंट करना होगा। चलिए यहाँ पे कम से कम 3 साल है, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल है,
मैंने 1 साल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर देंगे। डिवाइस का सीरियल नंबर कहाँ पर होता है वो यहाँ पे बताया गया है, एस फ्लैश एन करके आपका सीरियल नंबर होगा, और इस सीरियल नंबर के बीच में जो वन जैसा रहता है वो वन नहीं रहता बल्कि कैपिटल में आई रहता है, तो आपको कैपिटल में आई देना होगा। इस तरह यहाँ पे सीरियल नंबर जो भी आपके डिवाइस के पे होगा वो आपको देना होगा। अगर आपके डिवाइस पे ये मिट चुका है तो आप जो परचेज किए थे उस पे बिल होगा, उस बिल पे भी आपका सीरियल नंबर लिखा होगा। डिवाइस का सीरियल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइस मॉडल सेलेक्ट करना होगा कि ई मॉडल ई है, ई टू है, ई थ्री है, जो भी मॉडल है यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना होगा। डिवाइस का जो भी मॉडल है मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद अगर अगर और डिवाइस है उसको भी अगर उसका भी आरटी सर्विस आप परचेज करना चाहते हैं तो ऐड डिवाइस करके उसका भी परचेज कर सकते हैं आप एक ही साथ में, नहीं तो आप इसी को परचेज करना है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको व्यू कार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉपिंग डिटेल मांग दिखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल के लिए कितना चार्ज है, 375 रुपये 1 साल के लिए, लेकिन ये टैक्स जोड़ के आपको 450 के आसपास कर देगा, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये समय समय की बात है। ये टैक्स जोड़ कर आपको 450 तक भी ले जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये प्राइस देख लेंगे जितना भी दिखा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, अंतिम फाइनल जो प्राइस है वो आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, टिक मार्क का लगा चुके, उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल आपका अकाउंट लॉगिन है, आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूरा जीएसटी नंबर को खाली छोड़ना है, यहाँ अपना पूरा एड्रेस देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम को खाली छोड़ना है, अपना पूरा एड्रेस देना होगा, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पूरा एड्रेस आपको देना होगा, अपना फोन नंबर देना होगा। अपना एड्रेस देने के बाद आपको ये पूरा फिलअप करने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट समरी आ जाएगी, आपको कितना रुपया आपको लगने वाला है, कितना टैक्स लगा, टोटल कितना आपको लगेगा, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। और सबसे नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ये पेमेंट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ईएमआई नेट बैंकिंग वॉलेट पेटीएम यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करेंगे, नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे, बैंक को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नेट बैंकिंग के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद लॉग इन करने के बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे कन्फर्म करेंगे उसका फिर से कन्फर्म करने के बोले जाकर फिर से कन्फर्म करेंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। चलिए ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर चुके हैं, कंफर्म करेंगे, हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब 1 मिनट का वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट भी कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे अपने स्क्रीन पर, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई रिसिप्ट वगैरह दिखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपका ये आरडी सर्विस 1 साल के लिए परचेज हो चुका है। अब आपको आरडी मार्फो डिवाइस को अपने मोबाइल या सिस्टम में यूज करना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो काम करना स्टार्ट कर देगी।